ऐसा हमारे बिहार में हुआ है कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से टॉपर छात्रों को गाड़ी मिला है 3-3 लाख की। किसी टेस्ट में हम अनाउंसमेंट कर दिए कि अगर आप टॉप कीजिएगा तो आपको 5,000 रुपया देंगे, जितना आप हमको दिए हम उतना लौटा देंगे, तो हम दे देते हैं। सर का बहुत बड़ा योगदान है, जो डबल स्टार के साथ साथ बुलेट भी मिल रहा है। दिखाइए जरा दरोगा साहब को, पूरा चश्मा लगाए हैं और कंधे पे 2 स्टार, जिम्मेवारी आ गई है बिहार की। बिल्कुल आ गई है, बुलेट मिला है, कितने खुश हैं, क्या कहेंगे रोशन सर के बारे में? बहुत खुश हैं और सारा दिन तो रोशन सर को ही देना चाहेंगे। ज्ञान बिंदु में कैसा पढ़ाई होता था ये? बहुत ही अच्छा है। टॉप 20 में 7 आपके ही छात्र हैं? 7 संस्थान से छात्र हैं। शादी नहीं हुई है, पहले ही बुलेट मिल गया शादी वाला। दहेज वहेज लीजिए? नहीं दहेज नहीं। पक्का? नहीं। लेकिन लड़की लोग देख रही है, फिर मांग नहीं पाई? नहीं नहीं। हमारे बिहार का नाम रोशन किए हैं, रोशन सर का नाम रोशन किए हैं और ये ज्ञान बिंदु कोचिंग का नाम रोशन किए हैं। बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, बिहार नहीं पूरे देश के लोग देख रहे हैं, और कोचिंग का भी अलग ही नाम हो जाएगा, ज्ञान बिंदु GS अकेडमी का। तो कितने खुश है? खुशी का ही पल है, खुशी खुश है। अच्छा, डबल खुशी मिला। वर्दी और दूसरा बुलेट सब पूरा। तो लाइक बिहारी जो अपने बात का पक्का होता है, तो सर इस बात को साबित कर दिया। लोग बहुत वादा करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा वादा करते हैं, बट कोई पूरा नहीं करता। ज्ञान बिंदु के सर जो है रोशन सर ने पूरा किया है, कहे थे कि भाई टॉपर्स को हम गाड़ी देंगे और बुलेट, ये 3 लाख की गाड़ी है, देंगे। और देखिए टॉपर्स भी खड़े हैं, गाड़ी भी खड़ी है और इनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी है। दोस्तों अभी हम पटना के उसी ज्ञान बिंदु GS अकेडमी में है, जिन्होंने ये वादा किया था कि जो टॉपर्स होंगे हमारे कोचिंग से उनको हम बुलेट गाड़ी देंगे। दोस्तों सबसे ज्यादा इस साल दरोगा इस कोचिंग से निकले हैं, मतलब 300 से ज्यादा दरोगा निकले हैं। हमने बहुत सारी स्टोरी बनाई, वीडियोस बनाया, बहुत सारा इंटरव्यू भी लिया है, लेकिन सर ने जो वादा किया वो सच हो जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था। सोचिए आज 7 बुलेट 7 छात्रों को मिलने वाला है, जो कि अब दरोगा बन गए। अभी इनका ज्वाइनिंग भी हो गया है और सारे ने वर्दी भी पहन लिया है, स्टार भी कंधे पे है। वाह, क्या लग रहे हैं आप लोग, सबसे पहले बहुत स्मार्ट लग रहे हैं भाई। थैंक यू मैम। सर से बात करेंगे। सर आज 7 छात्र हैं आपके, तो छात्री हैं, भले बिहार के दरोगा साहब कहलाएंगे, तो आपके छात्र अब वर्दी भी पहन लिए, आज इनको बुलेट गाड़ी दे रहे हैं, मतलब ये क्यों सर, मतलब इतना बड़ा तोहफा, 3 लाख की गाड़ी? देखिए हम जब से पढ़ाना शुरू किए हैं ना, तब से ही हम विद्यार्थी को प्रेरित रखने के लिए कि विद्यार्थी पढ़ाई के प्रति जो है जागरूक रहे, तो हम पहले जो है आपको जैसे शुरुआती दौर में तो कम ही कमाते थे, तो 10 रुपया इनाम के तौर पर देते थे, 20 रुपया देते थे, 50 रुपया देते थे, तो फिर ये सिलसिला लगातार जारी रहा। और अब छात्रों के सहयोग और प्यार की वजह से जो है इतना कैपेसिटी हो गया है कि अब संस्थान से पढ़ने वाले छात्र जो टॉप करेंगे उन्हें हम बुलेट और थार भी दे सकते हैं। तो 1275 का जब नोटिफिकेशन आया था, तो उस दौरान जो है हम ये अनाउंसमेंट किए थे कि संस्थान से जुड़कर पढ़ने वाले वैसे छात्र जो टॉप 20 में आएंगे उन्हें संस्थान की तरफ से उपहार स्वरूप बुलेट दिया जाएगा। तो संस्थान के ये सभी सितारे हैं जो टॉप 20 में आए हैं, तो उन सभी को जो है बुलेट दिया जा रहा है। यहाँ पर राहुल जी है, राहुल जी का रैंक 8 है। फिर यहाँ पर जो है अनुराग जी हैं, इनका रैंक जो है आपको 6 है, सॉरी 12 है। और यहाँ पर जयप्रकाश जी है, इनका रैंक 11 है। दीपक जी है, रैंक 19 है इनका। और यहाँ पर जो है आपको प्रियांशु कुमार सिंह जी हैं, इनका रैंक 6 है। और नवाब साहब है, इनका रैंक 13 है। और उधर तौसीफ राजा जी हैं, इनका रैंक 9 है। अच्छा, एक बात बताइए, टॉप 20 में 7 आपके ही छात्र हैं? 7 संस्थान से छात्र हैं। आप लोग जो वर्दी पहने हैं ये डबल खुशी हो गया आप लोग के लिए, तो एक बुलेट भी मिल रहा है। सर बुलेट का आइडिया, इतना बड़ा तोहफा का आइडिया क्यों आया? मतलब ठीक है 50 रुपया 100 रुपया अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार के आप पहले टीचर हैं और पहला कोचिंग है जो बुलेट गाड़ी टॉपर्स को दे रहा है। देखिए है कि दिल्ली में SSC के टीचर जो है बोलते हैं कि आप टॉप कीजिए, SSC में हम ये देंगे हम वो देंगे, लेकिन हम आज तक कभी किसी को देते हुए देखे नहीं है। तो हमारे मन में यह विचार आया क्यों ना इसको पूरा कर दिया जाए, क्यों ना इसको पूरा करके दिखा दिया जाए, बिहार में इसको पूरा करके दिखा दिया जाए। तो एक जो बिहारी अस्मिता होता है ना, वो जग गया हमारा, और हमको लगा कि नहीं इसको हम पूरा करेंगे, बस लोग बोलते हैं लेकिन हम इसको पूरा करेंगे, तो वही हम बोले भी और इसको पूरा भी किए हैं। लोग बहुत वादा करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा वादा करते हैं, बट कोई पूरा नहीं करता। ज्ञान बिंदु के सर जो है रोशन सर ने पूरा किया है, कहे थे कि भाई टॉपर्स को हम गाड़ी देंगे और बुलेट, ये 3 लाख की गाड़ी है,
देंगे। और देखिए टॉपर्स भी खड़े हैं, गाड़ी भी खड़ी है और इनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी है। हालांकि दरोगा बन गए हैं भाई, वर्दी है शरीर पे, दो स्टार है कंधे पे, बट ये जब बुलेट पे चलेंगे ना तो सड़क पे सारी लड़कियां देखने वाली है आप लोगों को, गजब लगेगा। लेकिन भाई बहुत खुश हो नहीं? हाँ बहुत ज्यादा खुश है मैम इस बात से। सर तोहफा दे रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद बिहार के पहले शिक्षक है जो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के छात्रों को, टॉपर्स को तोहफा दे रहे हैं, अभी इतना महंगा। हाँ इस बात को बहुत खुशी मैम, और लाइक बिहारी सर हैं तो लाइक बिहारी जो अपने बात का पक्का होता है, तो सर इस बात को साबित कर दिया आज। हाँ मैम। क्या नाम बताएं? जय प्रकाश कुमार मैम। जय प्रकाश। अच्छा एक बात बताइए, बुलेट पे सबसे पहले किसको बैठाइएगा? अभी तो सर को बैठा कर घुमाना चाहेंगे सबसे पहले। क्या नाम है आप? अनुराग कुमार। आप लोग तो दरोगा साहब हो गए। हाँ आप तो पर पोस्टिंग है अभी आपका मोतिहारी, पूरी मोतिहारी में नहीं। आएंगे तो कभी मिलेंगे आपसे। जरूर जरूर। तो ये बुलेट आज आपको तोहफा में मिल रहा है, बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, बिहार नहीं पूरे देश के लोग देख रहे हैं, और कोचिंग का भी अलग ही नाम हो जाएगा, ज्ञान बिंदु GS अकेडमी का। तो कितने खुश हैं? खुशी का ही पल है, खुशी खुश है। अच्छा डबल खुशी मिला। हाँ वर्दी और दूसरा बुलेट सब पूरा। अच्छा ये सवाल आपसे भी कि किसको बैठाएगा पीछे? अब सर बैठेंगे, फिर उसके बाद पापा को बैठाएंगे। पापा मम्मी है ना। सर सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, कितना रैंक बताएं आप? 8 रैंक। 8 रैंक मतलब टॉप टॉपर्स में से आप एक है, हमारे बिहार का नाम रोशन किए हैं, रोशन सर का नाम रोशन किए हैं, और ये ज्ञान बिंदु कोचिंग का नाम रोशन किए हैं। तो क्या कहेंगे सर के बारे में? आज बहुत अच्छा गिफ्ट है, तोहफा है, और ये शायद जिंदगी भर आप लोग संभाल के रखिएगा। सर का तो हम बहुत पुराना छात्र हैं, सर को शुरू से ही मानते हैं। शादी हो गई है? नहीं शादी नहीं हुई है। ठीक है तो वही शादी नहीं हुई है तो पहले ही बुलेट मिल गया शादी वाला। अच्छा मतलब जो शादी में मिलने वाला था वो सर दे दिए? हाँ दे दिए। अच्छा दहेज वहेज लीजिए? नहीं दहेज नहीं। पक्का ना? नहीं। लेकिन लड़की लोग देख रही है फिर मांग नहीं पाएंगे? नहीं नहीं नहीं। अच्छा किसको पीछे बैठाएंगे? अभी तो सर को बैठाएंगे। आप लोग बोल रहे हैं सर को बैठाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे तो मम्मी पापा जो भी है। ठीक है मम्मी पापा। पोस्टिंग है अभी? कटिहार जिला। कहाँ के रहने वाले? नवादा जिला। पूरा चश्मा उश्मा लगा करके आए हैं, दिखाइए जरा दरोगा साहब को, पूरा चश्मा लगाए हैं और कंधे पे 2 स्टार। जिम्मेवारी आ गई है बिहार की? बिल्कुल आ गए हैं, बिल्कुल आ गए। तो जनता का सेवा करना है ना? बिल्कुल करना है। अच्छा एक बात बताइए, बुलेट मिला है, कितने खुश हैं? क्या कहेंगे रोशन सर के बारे में? बहुत खुश हैं, और सारा दिन तो रोशन सर को ही देना चाहेंगे। गाइडलाइंस सर का बहुत अच्छा रहा। अच्छा बोले थे बुलेट देंगे, ठीक है, बहुत लोग बोल करके नहीं देते हैं, आज आप लोग को बुलेट मिला है और आज आप लोग इसी बुलेट से शायद घर भी जाएंगे और इसी बुलेट से थाना भी जाएंगे काम करने। हाँ जाएंगे, गिफ्ट मिला है तो जाएंगे लेके। क्या कहेंगे? बुलेट, हेलमेट, वर्दी, स्टार, दरोगा, ये सारी खुशी भगवान आपको दिए। हाँ बहुत सर का बहुत सा योगदान रहा जो हम लोग आज यहाँ पर खड़े हैं इस स्थिति में, सर का हम लोग के पूरा आशीर्वाद रहा जो कि हम लोग को। ज्ञान बिंदु में कैसा पढ़ाई होता था ये? बहुत ही अच्छा, अभी भी मतलब कह सकते हैं कि अब पूरा इंडिया में यदि सबसे बेहतरीन तैयारी करवा रहे हैं तो इंडिया में सबसे अच्छा ये पढ़ाए हैं, दरोगा की तैयारी करवाए हैं ज्ञान बिंदु, दरोगा और अन्य भी एग्जाम में भी। हाँ बहुत सारे SSC सब में भी इनका बहुत ज्यादा स्टूडेंट अभी, मतलब दरोगा हो SSC हो ज्ञान बिंदु बहुत अच्छा पढ़ाता है, रोशन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी ज्ञान बिंदु जिंदाबाद, रोशन सर जिंदाबाद का नारा लग रहा है, और एक बार कैमरा पीछे करिए और दिखाइए छात्रों की भीड़, और ये छात्र भी बहुत खुश है, ये छात्र भी बहुत खुश है कि भाई टॉपर्स को ज्ञान बिंदु रोशन सर बुलेट दिए है। एक बार इधर कैमरा दिखाइए, बुलेट को थोड़ा गिना दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे आगे भी है, 2 लगा हुआ है। तो भैया जी आपका कहाँ है वर्दी? कहाँ है वर्दी? दरअसल मैं अभी सिलाया नहीं हूँ। आप सिलाए नहीं? हाँ क्योंकि अभी CGL में ज्वाइन करेंगे, सॉरी ज्वाइन करेंगे तब जाकर ज्वाइन करना होगा। लग तो रहा होगा कि सब वर्दी पहन के आए, हम नहीं पहन, आउट लग रहा है हमें भी, लेकिन माला वाला पहनाया गया, आज पूरा सम्मानित किया गया है, गिफ्ट तोहफा मिला है, 3 लाख की गाड़ी मिली है, वो तो सब सर का दिया हुआ है, सर का बहुत बड़ा योगदान है जो डबल स्टार के साथ साथ बुलेट भी मिल रहा है। अच्छा, इसे बुलेट से थाना जाइए? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, एक
बात बताइए, घर पे जब मम्मी पापा को बताए कि हम जिस कोचिंग में पढ़ते थे उस कोचिंग से हमको बुलेट गिफ्ट मिल रहा है और हम टॉप किए हैं, तो क्या कहे मम्मी पापा, कितने खुश? बहुत ही खुश है, और उनको एक और बुलेट का मतलब कि आशा है। छोटा भाई मेरा तैयारी कर रहा है सर के माध्यम से, कंपटीशन बढ़ गया लोगों में, बच्चों में नहीं। हाँ, तो उसको लिए समझाते हैं पापा कि जैसे भैया बुलेट लाए तुम भी लाओ, और तुम रैंक वन लाना ताकि थार मिले, वर्दी के साथ थार मिले। तो भैया जी आप कहाँ के हैं? मैं वैशाली का हूँ। वैशाली से कहाँ पे पोस्टिंग है? नालंदा। नालंदा, क्या कहेंगे मतलब बिहार के लोगों के लिए आप कितना मेहनत करने वाले? हम लोग सब बिहारी बहुत मेहनती है। मुझे लगता है कि अभी तो पूरा एनर्जी में जाइएगा, लेकिन काम वहाँ पे उस एनर्जी से कर पाएगा कि नहीं, सवाल तो हम ही करेंगे। नहीं, हम बिहारी लोग तो जहाँ भी काम करते हैं मतलब दिल से करते हैं और ऑनेस्टली करते हैं, ये तो पूरा इंडिया में दिखता है जितने IAS IPS। आप जो सीखे हैं, आप जहाँ से पढ़े हैं वहाँ पे तो आप लोग को ईमानदारी ही पढ़ाया गया होगा, बट करप्शन जो है ना, बेईमानी करना सिखा देता है। तो करप्शन बेईमानी सिखाता है, बट आपके अंदर क्या मोरल है इस पे डिपेंड करता है ना, आप क्या कैसे आपको परवरिश हुआ है, कैसे लोग आपको ज्ञान दिए हैं। आपका नाम क्या है? तौशीफ। तौशीफ, बाद में सवाल हम ही पूछने आए। कोई नहीं, आप आइए, आपको अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बुलेट की बधाई देने आ रहे हैं, वर्दी की बधाई, लेकिन सवाल बाद में हम ही पूछने आएंगे। देखिए बहुत अच्छा लगा सर, और ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, क्या लगता है टॉप 20 में और कितने छात्र आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट से हैं जिनको बुलेट मिलने वाला है? और अभी तो सारे जिला का रैंक नहीं दिया गया है फिलहाल, अभी सारे जिला का रैंक नहीं दिया गया है, 5 जिले का। हाँ, तो उसमें जो है ये सब लोग हैं, और भी लोग आ सकते हैं, हमको उम्मीद है, कुछ छात्रों से और भी उम्मीद है जो आ सकते हैं। हाँ। और जो आएंगे जैसे रैंक पता चलेगा उनको भी मिलेगा, ऐसा नहीं, निश्चित तौर पे जो टॉप 20 में रहेंगे उनको मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलेगा। ऐसे मतलब ये किए है कि भाई ये हमारे ही छात्र हैं, बहुत लोग ऑनलाइन ऑफलाइन भी होते हैं? नहीं, सबका जो है वेरिफिकेशन किया गया। वेरिफिकेशन किया गया तब बुलेट मिला? हाँ, तब मिला है। ऐसे कैसे, ऐसे तो कोई भी आकर के मतलब 20 में 20 आकर के कहेगा कि हम आप ही के यहाँ पढ़े हैं। कितने छात्र आए हैं कि सर हम आप ही को कोचिंग से हैं, हम भी टॉप किए, हमको बुलेट दे दीजिए? नहीं, कुछ लोग आए हैं, लेकिन जब वेरिफिकेशन किए तो पता चला कि नहीं, वो लोग नहीं है, ठीक है, तो फिर उनको हम निगलेक्ट ये रिजेक्ट कर दिए कि नहीं आप हैं ही नहीं कोचिंग के, तो कैसे होगा। देखिए, वेरिफिकेशन किया जाएगा और जो टॉपर्स हैं उन्हीं को मिलेगा जो टॉप 20 में। अभी 5 जिले का जो है वो रिजल्ट आया है और आने वाला है। ये दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, वो दिखा दिए हैं सर। हाँ, मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, और सबसे बड़ा चीज है कि एक सामान्य जीवन जीने के लिए जो भी हमको जरूरत होता है उतना हम रखने के बाद जो है बाद बाकी विद्यार्थी पे खर्च करते हैं। अच्छा। और प्राइज के तौर पर हम 5,000 रुपया तक देते हैं, मतलब अगर किसी टेस्ट में हम अनाउंसमेंट कर दिए कि अगर आप टॉप कीजिएगा तो आपको 5,000 रुपया देंगे, जितना आप हमको दिए हम उतना लौटा देंगे, तो उतना हम दे देते हैं, तो मतलब विद्यार्थी पे खर्च करते हैं। खर्च करते हैं, तो आज कितना खर्च हुआ है 7 बुलेट में? हाँ हाँ, यानी 7 या 21। 21 लाख जी। और सबके चेहरे की खुशी दिखाइए। अच्छा, आप लोग खुश हैं पीछे वाले? हालांकि आप लोग को बुलेट नहीं मिला है, लेकिन कोचिंग का नाम रोशन हुआ है, रोशन सर का नाम रोशन हुआ है, हमारे बिहार का नाम रोशन हुआ है। क्योंकि भाई मुझे लगता है कि ये पहली बार ऐसा हमारे बिहार में हुआ है कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से टॉपर छात्रों को गाड़ी मिला है 3-3 लाख की, 21 लाख की गाड़ी है। और जिंदाबाद जिंदाबाद कंटिन्यू कर रहे हैं सब छात्र हैं, और ये बहुत खुशी की बात है हमारे बिहार के लिए, शान की बात है। दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये लोग की खुशी शायद हम लोग बयां नहीं कर पाएंगे, बस हम दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे बिहार का दबदबा और इस ज्ञान बिंदु का दबदबा और अर्शन सर का दबदबा। वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।